हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला कुछ डिफरेंट होने वाली है। तो नॉर्मली आपको मुझे ड्रेस पहनते हुए या फिर मतलब पहनने के बाद या तो फिर हॉल में या तो फिर साड़ी में मुझे पहन के देखते हो, एंड इवन मैं मम्मी के लिए लेती हूँ तो भी आप लोग मुझे ही देखते हो साड़ी में। लेकिन मैंने इस बार मम्मी के लिए, मम्मी ने जो ऑर्डर करा है अपने लिए, वो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन द बेस्ट पार्ट, कि मैंने बोला आपने लिया तो आपको ही पहनना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा सबको कि ये साड़ी कैसा लगता है आपके ऊपर। बहुत ही अच्छी है, सिल्क साड़ीज है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ बेडशीट्स, कुछ होम डेकोर के सामान भी मैं आपको दिखाती हूँ। ज्यादा इंट्रो को नहीं खींचते हैं तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हॉल। तो सबसे सबसे पहले साड़ीज जो है, एंड यस ये सारे जो भी है मीशो से मैंने लिया है। इससे पहले मैंने मीशो का एक ज्वेलरी का हॉल मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई जस्ट होप आप लोगों को वो हॉल अच्छा लगेगा। तो नहीं देखा किसी ने तो प्लीज चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट काइंड ऑफ मैंने आपके साथ ज्वेलरी शेयर कराए उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साड़ी जो है, ये साड़ी है, ये ब्लू कलर में एक रानी कलर का बॉर्डर है इस साड़ी में। एंड ये जो पूरी साड़ी है ना, इसका जो पूरा बॉडी ऐसे डिजाइन में है, एंड इसका जो पल्ला आएगा वो भी पिंक, आंचल जो इसका है वो भी पिंक कलर में है, गोल्डन कलर का। इसमें जरी बॉर्डर का काम हुआ है, जैसे कांजीवरम साड़ी होती है ना, उस तरह के अफोर्डेबल रेंज में जो मिलते हैं उस तरह के हैं ये। काफ़ी ज़्यादा हल्का है एंड इतना रिच लुक देता है ये साड़ी पहनने के बाद। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगी, आप लोग फिर मुझे बताना मम्मी कैसे लग रही है। मैं तो देख के बोले वो गॉड, मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये साड़ी का पूरा लुक अगर आप अपने लिए ले सकते हो, अपने मम्मी के लिए भी ले सकते हो। तो ज़्यादा आपको जैसे कुछ कुछ जरी बॉर्डर वाला जो साड़ी होते हैं ना, चुभते हैं ऐसा मैंने बहुत कुछ नोटिस किया एक दो बार, लेकिन ये चुभता नहीं, ये जो है ये चुभता नहीं। इवन आप लोग अगर प्लेट्स भी करते हो अंदर डालने के लिए तो भी ये नहीं चुभता है। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। इसका कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही स्मूथ है। एंड यस, एक और चीज़, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाते हो, मीशो ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपके पहले जो भी ऑर्डर होगा परचेस, उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो पहला हो गया ये साड़ी। एंड प्लीज बताना मम्मी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है? एंड उनके लिए आज भर भर के लाइक होनी चाहिए, सब लोग करना प्लीज। हाँ, फिर दूसरी जो है साड़ी उनका ये है, एंड और भी बहुत सारे साड़ीज है, मैंने उनको पहनने के लिए बोला हुआ है। तो ये है उनकी दूसरी साड़ी, ब्लू कलर में है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि किसी और को देने के लिए भी है कुछ साड़ीज। नहीं नहीं मैंने स्टार्टिंग किया था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया, सॉरी, मैंने उस वीडियो में बोला था। तो कुछ साड़ीज मम्मी के लिए है, कुछ साड़ीज मम्मी किसी को देने वाली है, तो अपने ही हैं वो। तो उनको बताया कि मम्मी यहाँ पे पहन के दिखा रही है, एंड उनके साथ मैं नहीं दिखा सकती कैमरा पे, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होता है, तो विच इज़ फाइन, कोई बात नहीं है। तो उनके लिए भी सेम थोड़ा सा ब्लू कलर में ही है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डार्क काइंड ऑफ ब्लू, जैसे नेवी ब्लू कलर नहीं, रॉयल ब्लू कलर होता है ना, उस तरीके का कलर में आएगा यहाँ पे ये। एंड प्रॉपर लाइटिंग जैसे नेचुरल में ना, मैंने यहाँ पे मम्मी का जो लगाऊंगी वो ही है वो साड़ी, ठीक है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइटर शेड वाला ब्लू है इसका। एंड इसका बॉर्डर में आपको थोड़ा सा बड़ा सा चौड़ा सा बॉर्डर मिलता है, ये भी पूरा सर्फ कलर जैसे होता है ना उस तरीके का है, बहुत बड़ा सा है यहाँ पे जो बॉर्डर है। एंड यहाँ पे भी अगर आप लोगे ना तो भी इतना बड़ा सा बॉर्डर एक आएगा, तो आप ओपन पल्ला भी करके रख सकते हो। एंड इसका जो आंचल है ना वो कुछ इस तरीके का डिजाइन में आएगा, इसका आंचल जो ब्लाउज पीस इस तरह का आएगा, प्लेन ब्लाउज पीस है ये। एंड यहाँ पे जो, एंड हाथ के लिए आपको डिजाइन मिल जाएंगे गोल्डन प्लेट वाले। एंड इसका जो आंचल है ये वो स्काई कलर में इस तरीके का गोल्डन प्रिंट वाला डिजाइन है यहाँ पे, बहुत प्यारा लगता है, रिच लुक है। तो दोनों के लिए है साड़ीज, तो इसी के लिए मैंने बोला कि थोड़ा सा उन दोनों ने मैच करके, थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, डिजाइन डिफरेंट है, तो उस तरह का उन्होंने लिया हुआ है। तो कैसा लगा मुझे बताना। ये भी बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है, ऐसा नहीं कि जरी जरी वाला जैसे सिल्क होता है ना उस तरीके का नहीं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्का सा है ये, रेड कलर का आएगा। एंड ये जो ब्लू कलर है प्लेन नहीं है, बस यहाँ पे जैसे बॉर्डर में थोड़ा सा, बॉडी में जैसे ऐसे गोल्डन कलर में थोड़ा सा डॉट डॉट नहीं होता उस तरीके का यहाँ पे है, तो पोलका डॉट काइंड ऑफ आपको फिर लगेगा। ये पूरा प्लेन है साड़ी में, बस पोलका डॉट वाला डिजाइन है, रेड कलर कॉम्बिनेशन में है ये। ब्लाउज पीस आपका ये है रेड कलर में, यहाँ पे बॉर्डर मिल जाएगा, हैंड के लिए स्टिच कर सकते हो। एंड इसका जो साड़ी का पल्ला है ये पूरा यहाँ पे ऐसा रेड कलर में आएगा, पूरा डिजाइन हुआ है, बहुत ही भरा हुआ है, जैसे साड़ी एकदम प्लेन में बस सिर्फ पोलका डॉट्स है। आंचल इसका एकदम एकदम हैवी लुक देता है आंचल अगर देखते हुआ, तो ये भी इससे भी ज्यादा लाइट वेट सिल्क साड़ी में ये आएगा। तो
नेक्स्ट है यहाँ पे एक ब्लाउज, एंड ये एक सीक्वेंस ब्लाउज है। मैंने इसका सीक्वेंस साड़ी हॉल मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। सेम इसी कलर का मैंने एक शेयर किया था, एंड उसके मैंने पहले सोचा कि ब्लैक कलर ले लेती हूँ तो साड़ी को हो जाएगा, पर मैंने ब्लू क्यों लिया, मुझे अभी लग रहा है कि ब्लैक लेना चाहिए था, तो सारे ब्लाउजेस के लिए मतलब सारे ऐसे साड़ीज के लिए बहुत अच्छे से वो मैनेज हो पाता, पर चलो कोई ना ले लिया। तो यहाँ पे पैडेड है ये, एंड काफ़ी अच्छा फिटिंग वाला भी है, एंड अंदर का जो भी इसका क्लॉथ है ना वो क्लॉथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल का है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आप चाहो तो दोबारा से पीछे टाई करने के लिए कपड़ा भी है, एंड इसको एक लटकन की तरह भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। एंड नेक थोड़ा सा आपको, हाँ फ्रंट सेक्शन में थोड़ा सा देखो तो अगर कोई थोड़े से थिन है ना, थोड़ा सा डीप कट आ सकता है, एंड बैक साइड भी थोड़ा सा ये डीप कट में ही आएगा, इतना तक लेंथ में आएगा। अगर कोई नहीं पहन पाते हो तो आप लोग इतना सारा कपड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो। बैक में इसका हुक है, फ्रंट सेक्शन में नहीं है, एंड इसका जो लेंथ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे ऊपर उठने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। एंड ये भी नहीं चुभता है, ये भी सिक्वेंस वर्क का जो भी मैं शेयर करती हूँ एक क्वेश्चन आता है कि चुभता है क्या, तो ये बिल्कुल भी नहीं चुभता, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा आपको अगर आप लोग इसको पहनते हो तो। एंड इसका शाइन देख रहे हो, इतना ज़्यादा जगमग कर रहा है ना शाइन ये। एंड इसका मैं सेम ब्लैक कलर का एक मंगवाने जा रही हूँ, तो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा, फिटिंग इसका इतना अच्छा आएगा, तो मैंने एक ही ब्लू कलर का उस साड़ी को लेके मंगवाया था, पर ब्लैक कलर का मंगवाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा है। मेरे पास ऑलरेडी एक सिक्वेंस वर्क का ब्लैक कलर का है, बट उसका वर्क थोड़ा सा डिफरेंट आता है, एंड इसका वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये एक सिल्क वाला पिंक कलर का ब्लाउज है। ये कोई भी सिल्क साड़ी में, जैसे अगर कोई मेरे पास है नहीं, एंड ये वहाँ पे आपको ऐसा कपड़ा भी मिल जाएगा हैंड में, इस ऐसे ब्लाउज, ये जो ब्लाउज है ना इसमें स्टिच करने के लिए आपको, आप चाहे तो सीवलेस भी वेयर कर सकते हो, या तो आप लोग इसको ऐसे इतना आपको हैंड भी मिलता है तो वैसा आप लोग इसको स्टिच भी कर सकते हो, इतना तक ही हैंड आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। बट अगर आप कोई सीवलेस में कंफर्टेबल है तो सीवलेस पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। एंड उसके बाद ये है इसका एक पिंक कलर की साड़ी, जैसे डार्क पे सॉरी ब्लाउज है, बहुत एकदम डार्क कलर का जो ब्लाउज होता है ना कुछ इस तरीके से वो लगता है, एंड यहाँ पे गोल्डन कलर का सीक्वेंस वर्क है, ये सॉरी गोल्डन कलर का जरी वाला काम हुआ है, एंड ये भी पैडेड है। हाथ अगर हम लोग देखें तो इतना तक नहीं, जो हमारा इतना तक आएगा, ये इससे ज़्यादा नीचे तक नहीं आता है, फिर इससे ऊपर नहीं है, यहाँ तक इसका हैंड्स आएंगे। एंड इसका जो फ्रंट सेक्शन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, बैक साइड इसका बॉटम्स है, मतलब दिया गया हुक्स वगैरह बैक साइड दिया गया है यहाँ पे, तो इसका ये भी काफ़ी अच्छा स्टिच हुआ है। एंड अगर इसका पीछे के साइड से डिज़ाइन देखोगे तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन में आएगा, ये आपको मिलेगा पीछे के साइड से, तो काफ़ी अच्छा है, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड चुभने वाला है नहीं, तो आप लोग इसको पहन सकते हो। रून बहुत सारे कलर्स वहाँ पे थे, तो आप अपने, येल्लो कलर का भी था, तो आपको जो भी कलर्स पसंद आता है तो आप उसके हिसाब से ये मंगवा सकते हो। जो हैंड्स है ना ये एकदम फ्रिल्स फ्रिल्स वाला हैंड है यहाँ पे, एंड इस तरीके का मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। ये जो ब्लाउज है ये एक मैंने रील में देखा हुआ था, इंस्टा रील में किसी ने पहना हुआ था, तो मैंने सर्च करा तो फाइनली मुझे मिला, तो मुझे लगा ये पहले बहुत चुभेगा, पहनोगे तो बहुत कुछ होगा ऐसा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ सिंथेटिक वाले साड़ी में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं ब्लू कलर का क्यों ऑर्डर करूँ, जबकि ब्लैक कलर होता तो सारे साड़ीज के साथ चला जाता, पर चलो कोई ना, कर लिया तो कर लिया। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे कलर्स थे, ब्लू ब्लैक एंड और भी ज़्यादा कुछ कलर्स थे। सामने की तरफ इसका ये बोट नेक में आएगा, थोड़ा सा हायर बोट नेक, बोट तो नेक नहीं, ऐसे डिज़ाइन में आएगा, नेक के डिज़ाइन में। एंड यहाँ पे आपको ऐसा जैसे सिर्फ और सिर्फ नेट मिलते हैं, एंड यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन है, नेक पफ वाला है यहाँ पे, एंड पीछे की तरफ से है इसका हुक्स वगैरह, एंड यहाँ पे आपको ऐसा कुछ एक डिज़ाइन मिलेगा पीछे की तरफ बैक साइड में। इसका जो लेंथ है ये भी काफ़ी अच्छा है, नी पीछे अंदर का जो कपड़ा है ना ये कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कॉटन का कपड़ा दिया गया है, तो और आपको थोड़ा सा कुछ परेशानी नहीं होगी, अगर सिंथेटिक वगैरह ऐसा कुछ कपड़ा होता तो थोड़ा सा गर्मी लगने के चांसेस भी होते हैं। चीज़ है कि इसका कोई भी लिंक नहीं होता है, अगर आपको मीशो से कुछ भी लेना है मेरी तरह तो ले सकते हो, या तो फिर अगर बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। अगर मेरे लिंक के थ्रू जाके डाउनलोड करके फर्स्ट शॉपिंग आपका जो ऑर्डर रहेगा वो प्लेस करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर किसी के लिए बिजनेस करना चाहते हो और महीने में लाखों कमाना चाहते हो तो आपको क्या करना है ना,
जो भी सामान आपको किसको बेचना है वहां पे, ये साड़ी ब्लाउजेस और भी मैंने ज्वेलरी का जो मैंने लास्ट इसके पहले मैंने मिशो हॉल शेयर किया था, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जो भी सामान होते हैं उसको उनको बेचना है, एंड उनको अगर पसंद आता है जो मार्जिन का जो ऑप्शन आएगा वहां पे आपको प्रॉफिट ऐड करके MRP में वहां पे प्लेस कर देना है, एंड वो मीशो वहां तक आपके सामान को पहुंचा देगा कस्टमर का। एक और चीज, पेमेंट का मेथड्स भी बहुत इजी है, पेटीएम होता है, गूगल पे ऑनलाइन पेमेंट मेथड है, एंड साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाता है। एक्सचेंज एंड रिटर्न की पॉलिसी भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड और भी कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड तो आपके सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।